सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो आप लोग कैसे हैं? आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है जेके उपहार का एप्लीकेशन खोल लेंगे, इसमें मैं आप लोगों को 0.2 कैश रिडीम करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट, ये देख सकते हैं पॉइंट है मेरा 609 पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट देख लेंगे और हमारा जो भी डेबिट होगा वो यहाँ से दिखाएगा, ये पॉइंट हिस्ट्री है, ये पॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ये सब ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं बैक, और बैक जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 0.2 कैश दिखेगा, 0.2 कैश पर क्लिक करेंगे। अब 0.2 कैश पर क्लिक करेंगे तो 250 रुपये ऑलरेडी रहेगा अगर आपके अकाउंट में है तो। यहाँ से टोटल अवेलेबल पॉइंट दिखा रहा है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर 250 पॉइंट्स इक्वल 1000, ठीक है। तो 250 पॉइंट का 1000 आपको ये दे रहा है, ठीक है। और यू कैन रिडीम अप टू 426 पॉइंट एंड मिनिमम 250 पॉइंट, मतलब सबसे कम में आप लोगों को 250 पॉइंट ही करना पड़ेगा, गिरे से गिरे हालत में। और जो है सबसे हाईएस्ट में $426 पॉइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से जितना नंबर डालेंगे उतना ही आपका पॉइंट दिखाएगा। तो जैसे मैं एक डालता हूँ तो देख सकते हैं 4 रुपये है इसका रेट, ठीक है। तो हम लोग और 426 करता हूँ, जैसे कि 426 करता हूँ तो देख सकते हैं 1700 मेरे को मिल रहा है। तो हम लोग ये वाला नहीं करेंगे, हम लोग 250 दो बार करेंगे या फिर एक ही बार करेंगे, है ना। आप लोग भी कर लेना 250, है ना। और यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देख लेंगे वी डू नॉट फॉर एनी पर्सनल डाटा CVV और OTP नंबर प्लीज़ डू नॉट शेयर विथ एनी, यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग किसी भी को अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करेंगे, CVV हो और OTP हो, ठीक है। और वी डू नॉट प्रोसेस पेमेंट थ्रू गूगल पे Paytm, और ये बोल रहा है कि कोई भी पेमेंट प्रोसेस नहीं करना है, ये सब ठीक है, ऐसा बोल रहा है इसमें। और जो है कंपनी सही बात है, ये जो जेके उपहार सीमेंट वाला जो ये कंपनी है, ये आपसे कोई भी ऐसा कुछ नंबर नहीं मांगता या फिर ऐसा कुछ जानकारी नहीं लेता, है ना, एक बात। और दूसरी बात है यहाँ पर रिडीम्पशन चालू हो गया है और बहुत सारे आ गए हैं, तो ये सब वीडियो तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम लोग चलिए करते हैं टू कैश, यहाँ से आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं सबमिटेड हो गया, ठीक, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से डिसमिस करेंगे और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, ऑर्डर आईडी देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। यहाँ से दो बार मैंने किया है, ठीक है, एक बार और किया था जो कि पेड हो चुका है, पेड हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाएगा इन कैश पॉइंट स्टेटमेंट आपको भी यहाँ पे दिखाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, ठीक है, मैं भी रख लेता हूँ और आप लोग भी रख लेना कि कौन कौन से तारीख में कितना कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर होम में आ जाते हैं,
होम में आने के बाद हम लोग अपना पॉइंट देख लेते हैं। ये देख सकते हैं डेबिट हो गया पॉइंट टू केस करके। ठीक है, अब मेरा पॉइंट इतना है। अब यहाँ से मैं ऐसे करके बैग जाता हूँ और यहाँ से फिर एक बार करता हूँ सबमिट। ये देख सकते हैं, ठीक, यू के नॉट रिडीम मोर देन वन मंथ, मतलब ये बोल रहा है एक मंथ में एक ही बार आपको इसको करना है, उसके बाद अगले मंथ आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर अगले मंथ में फिर से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक मंथ इंतज़ार करना है, फिर उसके बाद से फिर से आप लोग इसमें पॉइंट टू केस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके अकाउंट में ये जो पैसा है वो 15 दिन के बाद आएगा, सैटरडे संडे और जो है हॉलीडे छोड़ के। ये बात का भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो वीडियो में सब चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। तो एक लाइक ज़रूर दें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हैं तो, जो नया देख रहा है वो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इसका फ़ायदा या लुफ्त उठा सके। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि इसमें बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड किया जाता है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानकारी एकत्र कर लूं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इसमें बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। तो वो भी वीडियो जल्द आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को किस तरह से बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है ये बताऊंगा, या फिर तो ऐसे ही बता दूंगा कि किस तरह से ऐड किया जाता है, क्योंकि मैं तो इसमें ऐड कर लिया हूँ। तो अगर ऐसा आया कि किसी और दोस्त हो गया और किसी का बनाना पड़े अकाउंट, तो मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से ऐड किया जाता है बैंक अकाउंट इसमें, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।